दोस्तों मनोज वाजपेयी एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी अदाकारी ने ना सिर्फ फैंस का दिल जीता है बल्कि वो कई लोगों को प्रेरित भी करते हैं। फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक में मनोज ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। मनोज वाजपेयी की द फैमिली मैन की बात करें तो ये एक बेहतरीन सीरीज रही है। अभी तक इस शो के 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और अब फैंस को इसकी 3री किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच मेकर्स ने अपडेट दिया है कि सीरीज की शूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन दर्शकों को इंतजार है इसकी रिलीज का। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये सीरीज कब और कहां रिलीज हो रही है। वेल दोस्तों, प्राइम वीडियो की ओरिजिनल सीरीज द फैमिली मैन सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शोज में से एक है। इसके दूसरे सीजन की शानदार सफलता के बाद फैंस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी बीच द फैमिली मैन के 3रे सीजन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए मेकर्स ने पोस्ट शेयर कर अच्छी खबर सुना दी है कि 3रे सीजन की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है। वेल दोस्तों, 3रे सीजन की बात करें तो मनोज वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि सीजन 3 की शूटिंग नॉर्थ ईस्ट में की जाएगी और इस बार मुद्दा भी नॉर्थ ईस्ट पर होगा। उन्होंने बताया था कि 3रा सीजन वहीं से शुरू होगा जहां पर 2रा सीजन खत्म हुआ था। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार फैमिली मैन पिछले सीजन से ज्यादा बड़ी होगी। इस समय श्रीकांत तिवारी अपनी जिंदगी के उस चरण में आ गए हैं जहां उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और श्रीकांत भी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन चुनौतियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। जब मनोज वाजपेयी से 3रे शो में देरी का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा था, राज और डीके सीजन 3 के लिए जल्दबाजी के पक्ष में नहीं है। सीजन 1 से सीजन 2 तक जाने के लिए हमें 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, इसलिए हमें सीजन 3 के लिए भी उतना ही वक्त दें। जब हम सीजन 3 के साथ वापस लौटेंगे तो मैं वादा करता हूं कि इसमें सरप्राइज फैक्टर कहीं ज्यादा होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार द फैमिली मैन टीम की ओर से दी गई डिटेल्स के अनुसार 3रा सीजन 2025 में रिलीज किया जाएगा। फैमिली मैन सीजन 2 का प्रीमियर 2021 में हुआ था और तब से ही फैंस सीजन 3 को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस वेब सीरीज में मनोज वाजपेयी एक रॉ एजेंट, एक अच्छे पिता और एक पति होने के दोहरे जीवन के बीच संघर्ष करते हैं। पहले सीजन में उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जबकि दूसरे सीजन में साउथ इंडियन दिवा समंता रुद्रप्रभु को मात देते देखा गया। अमेजॉन प्राइम वीडियो सीरीज के 2रे चैप्टर के एंडिंग में ये संकेत दिया गया है कि इस बार श्रीकांत कोरोना जैसी किसी महामारी से निपटने वाले हैं। वहीं पिछले साल राज और डीके की वेब सीरीज फर्जी आई, जिसमें द फैमिली मैन के मनोज वाजपेयी और चेल्लम सर का भी कैमियो नजर आया। शाहिद कपूर इस सीरीज से OTT की दुनिया में कदम रखा था तो मनोज वाजपेयी को हाल ही में फिल्म गुलमोहर में देखा गया था।